गाइस, स्वागत है आपको और एक प्यारी सी वीडियो में। एंड अगर आज के इस वीडियो में थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस आए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि घर में थोड़ा सा साफ सफाई चल रहा है दिवाली का। एंड मैं वीडियो डालने का भी मन है मेरा, क्योंकि काफ़ी अच्छा और ये हॉट टॉपिक है। तो भाई प्लीज़ अगर वीडियो में थोड़ा सा भी नॉइज़ आए तो मुझे माफ़ कर देना। खैर, आज के इस वीडियो में हम स्काई चेंजिंग या फिर मोशन स्काई इफेक्ट बनाने वाले हैं, मतलब कैसे बनाते हैं वो मैं सिखाऊंगा। एंड सबसे पहले आप इसका प्रीव्यू देख लो। इस चीज़ के ऊपर और भी आप क्रिएटिविटी दिखा सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी कूल इफेक्ट है। एंड अगर आप इसमें स्लो मोशन ऐड करोगे या फिर स्काई ग्लो तो ये और भी खतरनाक लग सकता है। खैर, उसके अलावा और भी आप अपने हिसाब से इसमें क्रिएटिविटी दिखा सकते हो। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे ये वाला इफेक्ट जो है अपने मॉन्टाज में ऐड करते हैं। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भाई हम बहुत ही नज़दीक है 1K के। एंड अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आते रहे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर से कर देना। वैसे मेरा मेन टॉपिक जो है वो थंबनेल है, लेकिन मैं नहीं डाल रहा हूँ कुछ टाइम से, क्योंकि दिवाली का टाइम चल रहा है और थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहा है। खैर, वो भी आएंगे, थंबनेल ट्यूटोरियल्स भी आएंगे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। खैर, आप ये वीडियो इंजॉय करो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सुबह आपको क्या करना है, आपको एक बैकग्राउंड ले लेना है, काइन मास्टर ओपन करना है एंड उस पर एक ब्लैंक बैकग्राउंड ले लेना है, जो कि ब्लैक रंग का हो या कोई भी रंग का फ़र्क नहीं पड़ता है उससे। एंड ये देखो, मैंने एक ब्लैक बैकग्राउंड ले लिया है। एंड उसके अलावा अब हम एक और स्काई वाला इफेक्ट जो है इसमें लेयर में ऐड करेंगे। तो ये एक लेयर है जो मैं ऐड करने वाला हूँ। एंड ये वाला कुछ लेयर आपको कस्टम रूम एक बना करके शैनहॉक का उसमें रिकॉर्ड कर लेना है। एंड याद रखना, स्काई जो है वो पूरा ब्लू होना चाहिए, मतलब क्लाउड लाउड नहीं होना चाहिए उसमें। तो देख सकते हो, यहाँ जहाँ हम लोग शैनहॉक का जो मेन जो लॉबी होता है वहीं पे मैं आया हूँ। एंड यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छा स्काई मिल रहा है, तो मैंने उसे यहाँ पे एक रिकॉर्ड कर लिया। एंड आप इसमें बहुत सारा क्रिएटिविटी दिखा सकते हो, थोड़ा और क्लोजली आप ले सकते हो। एंड ये मैंने FPP करके रिकॉर्ड कर लिया था एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड हाँ, कंट्रोल से आप अपना हाइड करना बिल्कुल मत भूलना। देन देखो, अब हाइड करने के बाद मैंने एक ओवरले ऐड किया इसमें। एंड ये ओवरले आपको मिल जाता है, मैं दिखाता हूँ, ये वाला कुछ ओवरले आपको शॉप में मिल जाएगा। देन आपको इसे डाउनलोड करके इसमें लगा लेना है। देन इतना करने के बाद इसे मैं फुल स्क्रीन पर डाल देता हूँ। एंड देन अब ये करने के बाद मैं एक और लेयर ऐड करूँगा, जो कि होगा क्लाउड्स वाला। एंड क्लाउड्स वाला आपको मैं यूट्यूब पे बहुत सारे सिनेमैटिक क्लाउड वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, तो वो आपको डाउनलोड कर लेना है। मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ। एंड इसको यूज़ करने के बाद इसे पूरा बैक, मतलब पीछे जो है वो भेज देना है। एंड यहाँ पे आप 3 डॉट पे क्लिक करके सेंड टू बैक अगर आप प्रेस करोगे तो ये डायरेक्ट पूरा पीछे हो जाएगा। ये देखो, ये पूरा बैकग्राउंड में चल गया है। एंड इसके ऊपर जो है वो डांसिंग वाला लेयर आ चुका है। अब इतना ऐड करने के बाद आपका अब आपको जो डांसिंग वाला जो लेयर है, मतलब पबजी वाला लेयर है, उसे सेलेक्ट करना है एंड क्रोमा की एक्टिवेट करना है। एंड क्रोमा की का कलर आपको ब्लू सेलेक्ट करना है। अब याद रखना, जो इसमें आप ब्लैक हिस्सा देखोगे वो चीज़ गायब हो जाएगा एंड वाइट जो पार्ट होगा वो इनेबल होगा। तो मैंने इसे यहाँ पे ये वाला ब्लू टोन सेलेक्ट किया है। देन यहाँ देखो, शो मास्क से ये ब्लैक एंड वाइट हो गया है। अगर आप शो मास्क हटाओगे तो ये ब्लैक एंड वाइट भी हट जाएगा। अब देख सकते हो, मैं क्लाउड जो वाला जो पार्ट है वो गायब करना चाहता हूँ एंड अपने कैरेक्टर को गायब नहीं करना, इसलिए मैं थोड़ा ध्यान से इसे थोड़ा एडजस्ट करूँगा, क्योंकि हल्का सा भी चीज़ गलती जो है वो आपके पूरा वीडियो को ख़राब कर सकता है। देन आप इसे यहाँ से भी डिटेल कर्व से भी एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ से भी थोड़ा बहुत एडजस्ट हो जाता है आपके वीडियो के हिसाब से। देन इतना करने के बाद आप अपना प्रीव्यू देख सकते हो, जो कि काफ़ी कूल लग रहा है। खैर, इसमें आप और भी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो आप अपने हिसाब से। एंड अगर आप सोचो इसमें स्लो मोशन ऐड करूँगा या फिर क्लाउड इफेक्ट, तो ये कितना ख़तरनाक लगेगा, मतलब क्लाउड इफेक्ट बोल रहा हूँ यार, क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर इसमें स्काई ग्लो इफेक्ट या फिर कुछ अलग अलग इफेक्ट्स में ऐड करूँगा तो ये कितना ख़तरनाक लगेगा। एंड अलग अलग एंगल से लेने के बाद ये काफ़ी ख़तरनाक लगता है। एंड कई सारे यूट्यूबर इसे यूज़ भी करते हैं, इस इफेक्ट्स को। एंड ये काफ़ी सिंपल, मतलब सिंपल है, इसे बनाना इतना हार्ड नहीं है। आप इसे इंट्रो आउट्रो की तरह भी यूज़ कर सकते हो। खैर, आप बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर इस वीडियो में थोड़ा सा भी मज़ा आया होगा एंड ये कुछ नया मैं लाया हूँ, तो भाई सपोर्ट दिखाओ इसे एंड शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।